वॉट इज लेजर? अगर सिंपली ऐसे कोई पूछ ले लेजर क्या है, तो लेजर इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक कॉलिमेटेड एंड हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट एंड इट डिपेंड ऑन द फिनोमेना ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो लेजर में क्या होता है, लाइट जो रेडिएशन है उसका एम्प्लीफिकेशन होता है। किस प्रोसेस के थ्रू? प्रोसेस स्टिमुलेटेड एमिशन यूज होता है। तो होना क्या है, लाइट का एम्प्लीफिकेशन होना है। किस प्रोसेस के थ्रू? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के थ्रू। तो व्हाट इज लेजर? ठीक है, क्वेश्चन है और इसकी फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाता है। लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज लेजर? लेजर लेजर इज अ डिवाइस, लेजर इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस, लेजर इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक एंड हाईली कोहरेंट बीम ऑफ लाइट फिनोमिना ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। अब इसमें कुछ टर्म्स आ रही हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कोहरेंट का मतलब क्या है या स्टिमुलेट का मतलब क्या है, कोई बताना चाहेगा? What do you mean by coherent beam or what do you mean by stimulated? हम coherent beams वो होती हैं जिनका phase difference same होता है। ठीक है, coherent beam वो होती है जिनका phase difference same होता है या constant phase difference होता है। Normally two sources cannot be coherent। अगर हम दो source ले रहे हैं, same material का भी ले रहे हैं, दोनों ही mercury lamp ले लिए, तो दोनों मरकरी लैंप से जो लाइट निकलेगी वो एक दूसरे से कोहेरेंट नहीं होगी, उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, और सेम नहीं होगा। तो नॉर्मली कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल सोर्स ही यूज करते हैं और उस सिंगल सोर्स से कोहेरेंट बीम बनाते हैं। वो आपने पढ़ा भी होगा जब आपने इंटरफेरेंस पढ़ा हुआ है ट्वेल्थ में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके आ रहे हैं। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी हम यही करते हैं कि हम सोर्स लेते हैं सिंगल सोर्स, उस सिंगल सोर्स के आगे हम टू स्लिट्स यूज करते हैं। अब उन टू स्लिट्स से जो लाइट्स निकलती हैं वो एक दूसरे से कोहेरेंट लाइट होती हैं। उसके अलावा लॉयड मिरर मेथड पर के आते हैं, एक फ्रेजनल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, तो वहां पे हम सिंगल सोर्स से कोहेरेंट लाइट या कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्टिमुलेट का मतलब मैम, जब मैम किसी एटम को एक्साइट कर देते हैं उसके मतलब ग्राउंड स्टेट से, नहीं, एक्साइट के लिए स्टिमुलेट वर्ड यूज नहीं होता। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, मतलब एक्साइटेशन तो चलिए वो हम करेंगे, एमिशन वाला भी केस करेंगे, बट स्टिमुलेट वर्ड का मतलब पूछ रही हूँ। मैम किसी एक्शन के एमिशन होता है उसे स्टिमुलेटेड एमिशन। नहीं, एमिशन नहीं, हम तो एब्जॉर्प्शन में भी स्टिमुलेट वर्ड यूज करेंगे। वही मतलब मैम किसी एक्शन के अगेंस्ट एब्जॉर्प्शन और एमिशन नहीं, संस्कार। देखिए स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कराना, इंड्यूस कराना, ठीक है, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा था
बट हमने उसको स्टिमुलेट किया कि आप ये प्रोसेस करो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो चाहे एमिशन हो, है ना, एक्साइटेड भी होगा डीएक्साइटेड भी होगा, बट हमने उसको बाहर से इन्फ्लुएंस किया ऐसा करने के लिए. थोड़ा सा ये माइलस्टोन्स हैं इसके, वो देख लेते हैं. 1917 में जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस फिनोमेना के बारे में बताया, स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में. फिर 1954 में चार्ल्स टाउन ने स्टिमुलेटेड एमिशन को यूज करते हुए मेजर डिवाइस बनाई. मेजर डिवाइस होती है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, तो माइक्रोवेव एमिट की एक्चुअल में यहाँ पे. फिर 58 में मेजर को ही उन्होंने ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी पे लेकर आए, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला. फिर जब वो उसको ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी पे लाए तो 60 के अंदर टीएच मेहमैन है, टीएच मेहमैन ने रूबी क्रिस्टल को यूज करते हुए फर्स्ट सक्सेसफुल लेजर डेवलप किया, जो हमारे सिलेबस में भी है रूबी लेजर. फिर 61 में जब रूबी लेजर फॉर्म हो गया तो अली जवान ने अपने कोवर्कर्स के साथ मिलके एक गैसियस लेजर बनाया जो हीलियम नियॉन गैस लेजर था. फिर 62 में सेमीकंडक्टर लेजर हुआ, फिर डेवलप होता गया, फिर CO2 लेजर मिला हमें, आर्गन गैस लेजर, और अब तो हम जो है पीएन जंक्शन डायोड से और इन सबसे भी जो है लेजर फॉर्म कर लेते हैं और इजीली अवेलेबल है. छोटी सी टॉर्च की फॉर्म में भी आपको मार्केट में लेजर फॉर्म मिल जाता है. ये लेजर की कुछ एप्लीकेशंस दिखा रखे हैं कि लेजर कहाँ कहाँ पे यूज होता है. मेडिकल में यूज होता है, CDs में यूज होता है, लेजर लाइट्स यूज करते हैं, फंक्शंस वगैरह में लेजर शोज होते हैं. ये रेंज है हमारे रेडिएशंस की, गामा रे से रेडियो वेव्स तक दिखा रखा है, और बीच में विजिबल रीजन है जिसमें हमारा हम लेजर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम नॉर्मली विजिबल रेंज में जब लेजर शोज होते हैं तो इसी रेंज में बात करते हैं. अब लेजर समझना है, क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन समझना है तो हमें मटेरियल की बात करनी होगी, क्योंकि लेजर एक्शन किसी ना किसी मटेरियल में हो रहा होगा, चाहे वो मटेरियल सॉलिड स्टेट फॉर्म में हो, चाहे गैसेस फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, या पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्म में हो, सेमीकंडक्टर हो, कोई सा भी लेजर ले लें, बट वहाँ पे हमें मटेरियल्स की बात करनी पड़ेगी, उसमें भी एटम की बात करनी पड़ेगी. और एटम के अंदर भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, तो ऐसा कोई खास रोल इनका लेजर में होता नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स हमारे एनर्जी लेवल, अभी हम क्योंकि नॉर्मल बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर रही कि सॉलिड स्टेट में जो है इलेक्ट्रॉन्स क्लोजली कंबाइंड हो जाते हैं तो बैंड्स फॉर्म हो जाते हैं, तो बैंड्स की और इनकी बात नहीं करते. सिंपल अभी सिंपली क्योंकि स्टार्ट किया है तो लेजर अभी सिंपलीफाई फॉर्म में समझेंगे, तो फिलहाल एनर्जी लेवल्स डायग्राम के अकॉर्डिंग ही समझेंगे, है ना. तो क्या होता है कि एटम्स के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं और उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. सिंप्लिसिटी के लिए, इजीली समझने के लिए, अभी हम क्या करेंगे, एक एटम कंसिडर करेंगे और उस एटम में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो दो ही एनर्जी लेवल में रहेगा, E1 और E2 स्टेट. E1 को हम नॉर्मली ग्राउंड एनर्जी स्टेट या फर्स्ट स्टेट कहेंगे और E2 हमारा एक्साइटेड स्टेट रहेगा. ठीक है, समझने के लिए, प्रोसेसेस को समझने के लिए अभी हम सिर्फ दो ही एनर्जी लेवल कंसीडर करके चलेंगे. तो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर एटम है और एटम्स के अंदर या आयन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स में है, तो E1 और E2 स्टेट में है. तो जब भी हम बाहर से कोई रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं या एनर्जी एमिट कर रहा है एटम, तो नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में. जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो ऑब्वियस है कि एटम की एनर्जी में भी चेंज होता है. ठीक है, तो हम नॉर्मली जो लैंग्वेज है वो यूज करते हैं कि एटम एक्साइटेड हो रहा है या एटम डीएक्साइटेड हो रहा है, या एटम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला गया है. पर जब हम एटम की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में वहां पर इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, बट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से या इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से एटम की एक एनर्जी चेंज हो जाती है, इसलिए लैंग्वेज में एटम यूज करते हैं. तो तीन प्रोसेस होते हैं. पहला है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन. ये सबसे जरूरी है. जब तक एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक एमिशन नहीं हो सकता है. एटम एक्साइटेड स्टेट में होना ही चाहिए वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए. ठीक है, दूसरा प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस एमिशन. थर्ड प्रोसेस है
स्टिमुलेटेड एमिशन। तो क्या करेंगे अब तीनों प्रोसेस को एक एक करके समझेंगे और तीनों ही लेजर के लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला नहीं होगा तो एमिशन नहीं होगा, और स्पॉन्टेनियस एमिशन तो लेजर की जो डिवाइसेस होती हैं उसमें भी होता है, बट उसका होना या उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा होता है, इसलिए जो हमें लाइट है वो कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक और यूनिडायरेक्शनल मिलती है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन लेजर डिवाइसेस में या लेजर्स में ज्यादा होता है, और स्पॉन्टेनियस एमिशन जितनी भी लाइट्स हम यूज करते हैं नॉर्मल, चाहे हम कौन सा ले लें, मर्करी लैम्प ले लें, चाहे हम सोडियम लैम्प ले लें, या हम अपना जो क्लास है या रूम है यहाँ पर जो हम ट्यूबलाइट्स यूज करते हैं यहाँ पर है, तो यहाँ पर जितने भी एमिशन की वजह से जो हमें लाइट मिल रही है वो सब स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से मिल रही है, ठीक है। तो लेजर में डोमिनेट करता है स्टिमुलेटेड एमिशन, नॉर्मल डिवाइसेस में जो भी लाइट की डिवाइसेस है वहां पे स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। चलिए तो एक एक करके प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन को समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो नॉर्मली एटम क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। नॉर्मली एटम क्या होगा या इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लोअर एनर्जी स्टेट में होगा, ठीक है। बाहर से हमने एक फोटोन इंसिडेंट किया जिसकी एनर्जी एच न्यू है, और एच न्यू किसके बराबर है, ई टू माइनस ई वन के बराबर, क्योंकि अगर इससे कम होगी तो भी एटम इससे कोई इंट्रैक्शन नहीं करेगा, और अगर इससे ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ना जाके बाहर ही निकल जाएगा एटम से, ठीक है। अगर वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो इन दोनों डिफरेंस के बराबर नहीं है तो एटम जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर ही निकल जाएगा अगर इससे ज्यादा हो गई तो। तो हम एनर्जी कितनी इंसिडेंट कर रहे हैं जो इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंसेस के बराबर है। तो हमने बाहर से रेडिएशन इस पे इंसिडेंट किया तो इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करेगा और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस खुद नहीं हो रहा था, बाहर से हमने फोटोन इंसिडेंट किया कि वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करे इलेक्ट्रॉन और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव करे। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और कराया जा रहा है, खुद से नहीं हो रहा है, इसलिए दिस प्रोसेस इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। व्हेन एटम आयन मॉलिक्यूल इज इन लोअर एनर्जी लेवल एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एच न्यू एंड मूव्स टू एन अपर एनर्जी लेवल रेफर एज ए स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ये डायग्राम नहीं बनाना है, और इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है, जो डेफिनेशन आपको ईजी लगे आप वो लिख लीजिएगा। द एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आना है तो सारी डेफिनेशन लिखने का भी जरूरत नहीं है, जो आपको इजी लगे ठीक है वो लिखिए। द एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ फोटोन इज एब्जॉर्ब by the atom causing an electron to jump from a lower level lower energy level to higher energy level। डायग्राम ये नहीं बनाइएगा, डायग्राम नेक्स्ट उसमें है, तो कोई सी एक डेफिनेशन लिख लीजिए। और ये लेवल वन से टू में ट्रांजिशन हो रहा है, पीस वन टू प्रोबेबिलिटी वन से टू में जाने की क्या होगी। अभी एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं लोअर एनर्जी स्टेट में, या मटेरियल में एक एटम तो है नहीं, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो हम कितना
फोटोन डाल रहे हैं उनका डेंसिटी कितना है, पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी डेंसिटी है इंसिडेंट फोटोन का, उस पर डिपेंड करेगा। तो P12 इज प्रोपोर्शनल टू यू न्यू और इन एनर्जी लेवल्स की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। तो P12 इक्वल टू B12 यू न्यू, ये अभी लिखिएगा नहीं, ये सब समझाने के लिए ये नेक्स्ट स्लाइड में है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या है, एटम लोअर एनर्जी लेवल में है, बाहर से फोटोन इंसिडेंट किया तो उसने एटम ने इसको एब्जॉर्ब किया, लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। तो इनिशियली क्या था, लोअर एनर्जी लेवल पे था, फाइनली एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी फॉर एनर्जी लेवल E1 एंड E2 इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी यू न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, दैट इज P12 इज प्रोपोर्शनल टू यू न्यू, जो हमने डेंसिटी इंसिडेंट की है उस पर डिपेंड करेगा। तो P12 इज इक्वल टू B12 यू न्यू, वेयर B12 इज नोन एज आइंस्टाइन कोफिशियंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो जो स्टिमुलेटेड कोफिशियंट है उसको हम B से डिनोट करते हैं, जो स्पॉन्टेनियस है उसको A से डिनोट करते हैं। 1, 2 का मतलब है ये जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 1 लेवल से 2 लेवल में हो रहा है। अगर 2, 1 यूज करेंगे तो मतलब 2 से 1 लेवल में आ रहे हैं।